कनेक्टिव टिश्यज टाइप्स एंड द फंक्शंस फस द कॉन्टेंट्स टाइप्स ऑफ कनेक्टिव टिश्यूज एडिपोज टिशूज कार्टिलेज बोन्स एंड द ब्लड टाइप्स ऑफ कनेक्टिव टिश्यूज अगर हम यहाँ बात करें एक हमने की है जनरल के कुक्टिव टिश्यूज़ को हम ब्रॉडली दो मेजर ग्रुप्स में डिवाइड करते हैं या क्लासेज में डिवाइड करते हैं एक है लूज कनेक्टिव टिश्यूज़ और दूसरा है फाइबरस कुनेक्टिव टिश्यू ये ब्रॉड टाइप्स हैं अगर हम इसके स्ट्रक्चर इस और फंक्शन के लिहाज से देखें तो स्ट्रक्चर और फंक्शन के लिहाज से कनेक्टिव टिश्यूज़ की फर्दर जो है वो फोर टाइप्स हमारे पास आती हैं दे आर द एडिपोज टिश्यूज कार्टिलेज बोन एंड द ब्लड इससे ये जो चार टाइप्स हमारे पास हैं ये हैं ऑन द बेस ऑफ देयर फंक्शन जबकि जो शुरू की दो क्लासेस हमने फाइबरस और लूज़ कनेक्टिव टिश्यूज की बात की है इससे पहले वो बेसिकली क्या है कि वो जनरल टाइप्स हैं जबकि ये थी स्पेसिफिक टाइप्स हैं एडिपोज कनेक्टिव टिश्य आर एडिपोज टिश्य एडिपोज टिश्यूज को बनाने वाले जो सेल्स हैं उनको हम एडिपोसाइट्स कहते हैं बेसिकली ये वो सेल्स हैं जिनके अंदर फैट स्टोर होता है एडिपोसाइट्स को हम फैट स्टोरिंग सेल्स भी कहते हैं और इसी बेस के ऊपर एडिपोज टिश्यूज़ के अंदर चूँकि फैट स्टोर होता है इसलिए हम उसको फैट स्टोरिंग टिश्यूज भी बोलते हैं एडिपोज टिश्यूज के अंदर कितना फैट स्टोर हो सकता है इसकी एग्जाम्पल वही है जैसे आप एक प्लांट सेल को देखते हैं तो उसके अंदर मोस्ट ऑफ द एरिया जहाँ वो उसका वैक्यूल कवर कर लेता है जबकि न्यूक्लियस बिल्कुल एक साइड पर चला जाता है इस तरह से एडिपोज टिश्यूज के अंदर इतनी ज़्यादा अमाउंट में फ़ैट स्टोर हो जाता है कि सारे का सारा जो न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्मा बिल्कुल एक साइड के ऊपर पेरीफ्री में चला पेरीफ्री का मतलब तो एक साइड पर चला जाता है अब एडिपोज टिश्यूज की अगर लोकेशन देखते हैं तो हमारे बॉडी के अंदर जहाँ जहाँ भी फैट स्टोर होता है वो बेसिकली एडिपोज टिश्यूज़ के अंदर ही ज़्यादातर स्टोर होता है इसमें हमारे पास जैसे स्किन के नीचे बिलो द डर्मिस जो हमारी स्किन के नीचे एडिपोस टिश्यूज़ की लेयर है स्पेशली उन एनिमल्स के अंदर जो कोल्ड इन्वायरमेंट के अंदर रहते हैं उनके नीचे एक मोटी लेयर होती है जो है वो आ, एडिपोस टिश्यूज़ की जिसके अंदर फैट स्टोर होता है जैसे जो मेरीन एनिमल्स हैं उनके अंदर नीचे आमतौर तो वेल के नीचे जो, जो होती है एक मोटी लेयर ऑफ जो है वो, वो फैट्स की मौजूद होती है जो बेसिकली एडिपोस टिश्यूज़ हैं इस तरह से हमारे इंटरनल बॉडी ऑर्गन्स हैं इनको प्रोटेक्ट करने के लिए जो फैट की लेयर्स है अगर हम कोई भी जानवर जज्बा करते हैं तो हम देखते हैं कि उसके हार्ट के आगे पीछे चर्बी चर्बी होती है ये बेसिकली सारी जो है वो एडिपोज टिश्यूज़ होते हैं जो क्या करते हैं कि इसकी स्टोरेज करते हैं इस तरह से यानी कि जो लैक्टेटिंग मदर्स हैं या जो मदर जब बच्चों को जो फीड करती है उनके अंदर बेसिकली एडिपोज टिश्यूज़ होते हैं जो मिल्क वगैरह जो उसके अंदर जो होता है वो फैट स्टोरिंग टिश्यूज के मौजूद ब्रेस्ट के अंदर मौजूद हैं इसका बोन्स के अंदर भी मौजूद होते हैं बोन् के अंदर से हॉलो होती है तो बोन्स के अंदर भी फ़ैट्स मौजूद होती है जो कि एडिपोज टिश्यूज़ की एडिपोज टिशू की फॉर्म में मौजूद होगी व्हाट आर द फंक्शंस अच्छा एडिपोज टिश्यूज के अंदर बेसिकली फ़ैट स्टोर्स होते हैं और ये फैट वो है जिन्होंने आगे एनर्जी प्रोवाइड करनी होती है तो इसके दो मेजर बेनिफिट्स होंगे एक होगा एनर्जी प्रोवाइड करना दूसरा होगा इंसुलेशन का रोल प्ले करना या प्रोटेक्शन देना जैसे स्किन के नीचे जो एडिपोज टिश्यू है वो हीट को बॉडी से एस्केप नहीं होने देती है बॉडी से प्रोटेक्ट इंटरनल बॉडी ऑर्गन्स के गिरद जो होगी वो उनको क्या करेगी प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेगी यह हमारे पास एडिपोज टिश्यू डायग्राम है जिसमें आप देख सकते हैं कि बड़ा सा सेल है और इसमें मोस्ट ऑफ द जितना भी इसका एरिया है वो बेसिकली कवर्ड किया हुआ है एडिपोसाइट फैट्स ने जबकि न्यूक्लियस बिल्कुल एक साइड पर चला जाता है ठीक है डिफरेंट सेल्स में आप देख रहे हैं न्यूक्लियस इज इन द दैरिफ्री जबकि मोस्ट ऑफ द एरिया जो है वो फैट्स ने कवर किया होता है सेकेंड टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू इज द कार्टिलेज कार्टिलेज से आप आर डी वाकफ में बेसिकली ये फ्लेक्सिबल बोन्स जो हमारे जैसे मेरी ईयर की है कार्टिलेज है नोज़ के हमारे जो है टिप का पोर्शन है ये कार्टिलेज है तो इस तरह से काटिलेज जो है बेसिकली ये फ्लेक्सिबल जो स्ट्रक्चर्स बनाती हैं कार्टिलेज को बनाने वाले सेल्स हैं दे आर देर द कॉन्ड्रोसाइट्स अब चूंकि जितने भी कनेक्टिव टिश्यूज हैं उनके सेल्स एक्स्ट्रा सेलुलर मटेरियल के अंदर इम्प्रेग्नेटेड होते हैं यानी कि उसके अंदर जैसे सीमेंट के अंदर हम ईंट रख देते हैं तो इस तरह से इन सेल्स के जगे दो तो सारा एक्स्ट्रा सेलोर मटीरियल मौजूद होता है तो काटिलेज को बनाने वाली जो सेल्स हैं दे आर कॉन्ड्रोसाइट्स और वो जहाँ मौजूद होते हैं उसको हम कहते हैं लेक्यूनी का नाम देते हैं तो हम यूँ कह सकते हैं कॉटिलेज के अंदर जो सेल्स की पोजिशन है वो लेक्यूनी है लेक्यूनी के अंदर सेल्स मौजूद हैं बाकी सारे एरियाज में एक्स्ट्रा सेलोलर मटीरियल मौजूद है वेयर देर आर प्रेजेंट अब कार्टिलेज कहाँ कहाँ मौजूद है ईयरस में जैसे मैंने आपको बताया है नोज़ के ऊपर जो फ्लेक्सिबल पोर्शन है नोज़ की बोन का इसके अलावा हमारी जितने भी जो बोन्स हैं उनके एंड्स जो हैं बोन्स के जो एंड्स होते हैं उसके ऊपर एक कार्टिलेज की लेयर जो है वो मौजूद होती है तो इसका बेसिक फंक्शन क्या होता है एक तो ये स्ट्रक्चर बनाते हैं जैसे ईयर का स्ट्रक्चर कार्टिलेज की वजह से है नोज़ का स्ट्रक्चर कार्टिलेज की वजह है बोन के एंड के ऊपर दे आर फास्ट प्रोटेक्शन क्योंकि अगर कार्टिलेज नहीं होगी तो बोन्स के बाद जब रगर फ्रिक्शन होगी तो बोन्स हमारी होती हैं वो सवियर पेन फील होगी हमें आपने देखा कि जिन लोगों की एज बढ़ जाती है जिनको जॉइंट्स की प्रॉब्लम होती है उनमें एक वजह यह होती है कि जॉइंट्स के जो बोन्स हैं उनके एंडस के ऊपर से कार्टिलेज उतर जाती है जिसकी वजह से बोन्स आपस में फ्रिक्शन होती है तो कार्टिलेज क्या करती हैं कि फ्रिक्शन को कम करती हैं यानी दे प्रोटेक्ट आवर बोन्स अगर बोन्स के ऊपर हैं तो ये प्रोटेक्ट करेंगी इसको हि वी हैव सम डायग्राम यहाँ अगर आप देखें ये कार्टिलेज की डिफरेंट हाई कार्टिलेज है इलास्टिक कार्टिलेज है और फाइब्रो कार्टिलेज आप जो कि डिफरेंट बॉडी स्ट्रक्चर के अंदर डिफरेंट टाइप्स की कार्टिलेज हैं तो उस हिसाब से उनका जो नाम है तो ये ओवरऑल इनका जो ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ है कुछ जो हम वो है वो स्ट्रक्चर बनाती हैं कुछ प्रोटेक्शन के लिए मौजूद हैं कुछ जो है वो इलास्टिक फाइबर का रोल प्ले करती हैं इलास्टिक फाइबर की एग्ज़ाम्पल अगर हम ज़्यादा बेहतर समझें तो ये है जो हमारी बैकबोन की वटैबरीज हैं वोटैबरी के, है, के दरमियान में ये कुशन का रोल प्ले करती हैं तो जितना भी हमारा वजन होता है वटैबरी के दरमियान जो डिस्कस होती हैं उनके ऊपर पड़ता है जिसकी वजह से हम जो होता है वो कंप्रेशन जो होता है या कह सकते हैं कि बहुत ज़्यादा जो है वो तवीर शॉक से बच जाते हैं तो काटलेज का इंपॉर्टेंट फंक्शन ये भी है कि हमारी बॉडी के अंदर इलास्टिसिटी जो है या प्रोटेक्टिव रोल कह सकते हैं कि किसका मौजूद है बोन टिश्यूज़ थर्ड टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यूज दे आर बोन टिश्यूज बोन टिश्यूज आर हार्ड कनेक्टिव टिश्यूज कार्टिलेज भी हार्ड कनेक्टिव टिश्यू में आता है बोन्स भी क्या है हार्ड कनेक्टिव टिश्यूज हैं लेकिन बोन जो है वो कार्टिलेज के सबसे ज़्यादा हार्ड खें दे आर मोर हार्ड दे आर लेस फ्लेक्सीबल इसके अंदर फ्लेक्सीबिलिटी नहीं होती है बोन्स को बनाने वाले सेल्स ऑस्टियोसाइट्स हैं कार्टिलेज के लिए कॉन्ड्रोसाइट्स और बोन्स के लिए ऑस्टियोसाइट्स होते हैं बोन्स के सेल जो ऑस्टियोसाइट्स हैं दे आर आल्सो प्रेजेंट इन द लेक्नी जैसा कार्टिलेज के अंदर लेक्यूनी पाए जाते हैं इस तरह से बोन्स के अंदर भी लेक्नी वो जगह हैं जहाँ सेल्स बोन सेल्स या ऑस्टियोसाइट्स जो हैं वो पाए जाते हैं अब बोन का जो एक्स्ट्रा सेलुलर मटेरियल है उसके अंदर कोलेजन के साथ साथ जो एक साल्ट इंपॉर्टेंट साल्ट है वो है कैल्शियम फास्फेट तो कैल्शियम फास्फेट के जो है कोलेजन फाइबर कैल्शियम फास्फेट जो है मौजूद होता है जिसकी वजह से बोन जाओ इट्स हार्डर बोन जो है ज़्यादा हार्ड स्ट्रक्चर जो है वो बनाती हैं अब बोन्स के क्या क्या फंक्शन हैं बोन एक नंबर वन तो ये है कि ये हमें प्रॉपर शेप देती हैं स्केल्टन की वजह से हमारी प्रॉपर शेप है दूसरा बोन्स की वजह से ही हम क्या कर सकते हैं कि जो डिफरेंट जो है वो कह सकते हैं प्रोटेक्शन है हमारी डिफरेंट हमारे स्कल जो है जो बोन्स से हमारा स्कल बना हुआ जो हमारे ब्रेन को प्रोटेक्ट कर रहा है तीसरा से जो बोन्स हैं दे आर आल्सो प्रोटेक्टिंग आवर बॉडी देर सो हेल्पिंग अस इन मूवमेंट्स जैसे हम अपनी लेग्स की वजह से चलते हैं तो लेग्स के अंदर सपोर्टिव रोल किसका है बोन्स का है हियर वी हैव स्ट्रक्चर ऑफ बोन्स ये बोन का हमारे पास स्ट्रक्चर आप देखते हैं बोन्स नॉर्मली दरमियान से हॉलो होती हैं अब देखिए ब्लैक कलर जो ये बता रहे कि और अब जो बोन सेल्स हैं या बोन का मेटेरियल होता है सर्कल्स बनाता है इसको कहते हैं कॉन्सेंट्रिक कॉन्सेंट्रिक का मतलब है कि जब मुख्तलिफ लेयर्स एक ही सर्कल के अराउंड अरेंज हो रही होती हैं तो हम यू कह सकते हैं दे दी कॉन्सेंट्रिक लेयर्स ऑफ बोन टिश्यूज तो बोन टिश्यू की of, part, जो कंसेंट्रिक लेयर्स हैं लास्ट टाइप ऑफ कॉटन जो हमारे पास कनेक्टिव टिश्यूज दे आर दी ब्लड अच्छा ब्लड जो है ये फ्लूड फॉर्म में है इट तो इज हम ये कह सकते हैं कि इट इज़ द फ्लूड फॉर्म ऑफ कनेक्टिव टिश्यूज कनेक्टिव टिश्यूज की अब इसमें अगर हम देखें कनेक्टेड इशूज़ का हमने कहा था कि दो इंपॉर्टेंट पार्ट्स होते हैं सेल्स प्लस एक्स्ट्रा सेलूर मटीरियल आपको जान आप जानते हैं कि जो ब्लड है इसमें ब्लड सेल्स भी पाए जाते हैं और प्लाज्मा भी है प्लाज्मा एक्स्ट्रा सेलुलर मटेरियल का रोल प्ले करता है जबकि जो ब्लड सेल्स हैं जैसे वाइट डब्ल्यू बी सीज हैं वाइट ब्लड सेल्स हैं रेड ब्लड सेल्स हैं प्लेटलेट्स हैं ये सारे के सारे ब्लड के जो हैं वो ब्लड के सेलुलर कंपोनेंट जो उसको कंप्लीट करते हैं ब्लड की अगर हम देखें लोकेशन क्या है तो ब्लड बेसिकली हमारी जो वेजल्स हैं आर्टरीज वेन्स और कैपिलस के अंदर सर्कुलेट कर रहा है इसका फंक्शन क्या है फंक्शन है ट्रांसपोर्टेशन ऑफ न्यूट्रिएंट्स फूड को अब्जॉर्ब होने के बाद उसको लेकर जाना इसके अलावा गैसेस ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गैसेस लंग्स से गैसेज ट्रांसपोर्ट गैसे गैसे करना नाइट्रोजन वेस्ट को किडनी तक लेकर जाना दीज आर ऑल द फंक्शन ऑफ ब्लड ये हमारे पास एक ओवरऑल स्ट्रक्चर है ब्लड का जिसमें रेड ब्लड सेल्स ज़्यादातर रेड ब्लड सेल्स होते हैं ब्लड के अंदर इसके अलावा वाइट ब्लड सेल्स हैं कुछ फ्रेगमेंट्स होते हैं जिनको हम क्या कहते हैं प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स बेसिकली सेल्स नहीं होते बल्कि फ्रेगमेंट्स होते हैं सेलुलर कंपोनेंट्स के और लिक्विड फॉर्म जो लिक्विड पोर्शन है उसको हम क्या कहेंगे दैट इज द प्लाज्मा